नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और केरल त्रिवंतपुरम से सांसद शशि थरूर की। जी हां, शशि थरूर रसरंगिया। शशि थरूर जी जो है आज केरल के त्रिवंतपुरम के एक मंदिर में पूजा करने गए थे और वे वहां पे गिर पड़े और गिरने के बाद उन्हें तत्काल जो है आनन फानन में वहाँ के जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें 6 टांके लगाए सर पर और उन्हें फिर बोला कि वे अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसकी कि मैं आपको बताता हूँ। असल में ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब श्रापित हो चुकी है, राहुल गांधी श्रापित हो चुके हैं और यहाँ तक के शशि थरूर भी श्रापित हो चुके हैं। और शशि थरूर जी के ऊपर जो है सुनंदा पुष्कर वाला जो केस चल रहा है उसके कारण भी कहा जा रहा है कि उन्हें पाप लगा हुआ है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, केरल में जो अयप्पा स्वामी के मंदिर सबरीमाला में जो अपमान हुआ, सबरीमाला के अयप्पा स्वामी का जो अपमान किया गया, वहां मंदिर में जो रूल चल रहा था हजारों सालों से वो तोड़ा गया। उस कारण से कांग्रेस पार्टी को श्रापित हो गई है, कांग्रेस पार्टी को श्राप लगा है और अब वे भुगत रहे हैं इसका खामियाजा। इसी की वजह से लोग कह रहे हैं कि शशि थरूर के साथ ऐसा हुआ। शशि थरूर एक मंदिर गए थे जहाँ पर एक जो है मंदिर की प्रथा है, उस मंदिर में एक पूजा की जाती है जिसका नाम है तुलाभरण पूजा। तुलाभरण पूजा में जो इंसान पूजा करता है उसे अपने वजन के समान जो है वहाँ पर अर्पित करना पड़ता है प्रसाद या कोई भी चीज़ जो आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो चढ़ावा जो है वो आपके वजन के समान होना चाहिए और चढ़ावे को जो है नापने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, तो आपके वजन के अनुरूप आपके वजन के समान वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उसी को जो है करने गए थे शशि थरूर, वह तुलाभरण पूजा करने गए थे जिसे भगवान ने नकार दिया, एक्सेप्ट नहीं किया और इसी के कारण भगवान के श्राप के कारण उन्हें जो है वहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा। वे गिर गए, उनका पैर फिसल गया और उन्हें 6 टांके आए। किसी ने उन्हें धक्का नहीं मारा, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, कोई भूकंप नहीं आया, राहुल गांधी की तरह कोई भूकंप नहीं आया, बस वो गिर गए। तो ऐसा गिरना और पूजा भंग होना और पूजा न होना और चढ़ावा ना चढ़ाया जाना, यह भगवान का प्रकोप माना जाता है जो कि सबरीमाला के अयप्पा स्वामी के साथ जो हुआ, जो वहां पे अपमान हुआ उसी का खामियाजा अब ये भुगत रहे हैं। और तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं 2 बार से शशि थरूर जी। 2009 में वे पहली बार सांसद बने थे और वे 1 लाख वोटों से जीते थे, 1 लाख वोट में 3 वोट कम थे। 2014 में उनके वोट कटे, वो महज 15,000 वोटों से जीते, लेकिन अब जब तिरुवनंतपुरम की जनता ने उन्हें नकार दिया, यहाँ तक कि भगवान ने भी नकार दिया है, आज उनके हारने के आसार दिख रहे हैं। क्योंकि जो है शशि थरूर ने आला कमान से, पार्टी आला कमान से शिकायत की थी कि वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, तब राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान के आदेश पर उनके प्रचार के लिए कुछ प्रचारक भेजे गए, तो उन्हें जो है अब हार का डर सता रहा है और इसीलिए वे मंदिर गए थे जो है तुलाभरण पूजा करने, जिसे भगवान ने भी जो है कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और अब ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया में और लोकल लोगों से जिनसे मेरी बात हुई, कुछ मीडिया वालों से बात हुई, तो लोकल लोग और अयप्पा स्वामी सबरीमाला के भक्त यह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर श्रापित हो चुके हैं, उन्हें श्राप लगा है, इसी के कारण यह हादसा हुआ है और आगे भी ऐसे हादसे होने की उम्मीद है क्योंकि श्राप तो श्राप होता है। हालांकि मैं इस वीडियो के कारण किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या अंधभक्ति को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मैं बस कहीं सुनी बातें बता रहा हूं जिसे आप एक इन्फो के तौर पे ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।